और सब घर पे सब खैरियत से हैं? घर पे सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक, बढ़िया। बच्चे सब? बच्चे नहीं है अभी। न तेरे नहीं है, उनके तो हैं। हाँ, उनके तो हैं। अच्छा, वैसे आप अकेले ही रहते हो? हाँ, मैं तो अकेले ही रहता हूँ। अब चल खाना वाना पकाऊंगा, चला खाना। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, खाना भी मैं पकाऊंगी, कपड़े भी मैं धोऊंगी, बर्तन भी मैं धोऊंगी, घर के सारे काम मैं करूंगी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है घर के काम करने की। ये तो बता, तुम्हारा नाम फाम तो हमें पता ना है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम? हाँ, देखो मेरा नाम है वो चांदनी। अच्छा, चांदनी है तुम्हारा नाम, ठीक है। देखो चांदनी, ये बता, पति से सब कुशल मंगल तो है? पति से? बस पति से ही तो मेरी लड़ाई हो गई है, पति से लड़ाई हो गई तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा, पति से लड़ाई। तुम एक काम करो, 2 महीने, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, चाहे जितने दिन तक तुम रहो, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब मैं यहाँ आराम से रहूंगी। हाँ, आपको भी 2 रोटी का सहारा लग गया। हाँ, और मैं भी आ रहा हूँ। मैं तो देखो कुआरा था, तो मैं तो खुद ही पकाता था। कुआरे नहीं, रड़ुए हो गए। रड़ुए अजी खत्म हो गई। तो अकेले जैसे ही हो गए। हाँ, तो अकेले जैसे। चलो आज बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या पकाऊं। साग बना ले, सरसों का। सरसों का साग? और बाकी तू बता क्या खाएगी। मगर आज तू एक काम कर, आज मैं पनीर ले आ रहा हूँ। तू अभी देख, आज ही आइए, साग तो फिर खाएंगे, ठीक है? ये लफंडरे घूम रहे हैं गांव में, समझ गए? एक तो ये धनीराम और एक वो लफंडरा, इन और भी कोई हो तो मान लो काय से बात नहीं करनी है, अपने घर में रहना काय। अरे मैं तो बोर हो गई थी, ये समझ लो, यहाँ आके। हाँ चलो ठीक है, तुम घर में जा, मैं पनीर लेके आ रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था। हाँ, कि आज तुम मिलोगे या ना मिलोगे। अरे कौन मिलता, ठीक। अरे चोवा राम जी। हाँ, वो चोवा लाल जी। हाँ, राम जी बोल जाता हूँ तुम्हें। हाँ, सुनो, अब तो तुम फूले समान ही रहे होंगे, खूब प्रफुल्लित होंगे अंदर से। और क्या, वो तो खुश है ही। हाँ, इंद्रियां खूब मतलब चकाचक होंगी। क्या वक्त बकराऊ में, और क्या। अरे खुश नसीब हो भाई, तुम्हारे घर में तो तुम्हें ही रोटी बनानी पड़ती थी, अब तो रोटी बनी हुई खाओगे। तो क्यों ना खाएंगे, सलेजना है हमारी, मौज आ गई। अरे तो सलेजना, मौज कौन आएगी। अच्छा ये बता, तुम क्यों बच्चूदी कर रहे हो? तुम हमारे एक काम दे, एक बात बता देना, घर के वहां निगाह उठा के मत देख लियो। क्यों? हाँ, एक बात बताओ, मेरी भैंस जाएंगी उधर, मेरी गैया जाएगी, मेरा पिल्ला जाएगा, लेके नहीं आऊंगा मैं उसे। तो मतलब गैया पिल्ला इधर ही जाएगा। अबे पूरा गांव पड़ा है, एक छोड़ दो दो गांव पड़े हैं, तीन तीन। इधर भगाइयो, इधर भगा मत दियो। हाँ नहीं, बता दे रहा हूँ, मुझसे पूरा कोई ना हो। तो मैं भी तो भगा रहा हूँ। चोबे लाल है? नहीं, तो मैं भी तो भगा रहा हूँ। ये बता रहा हूँ, चोबे लाल है तो चोबे लाल क्या करूंगा। चोबे लाल, बकवास मत कर रही हो, करियो। बंदूक टांग के तो ऐसे रखते हैं ना, कितने गांव के तुम वो हो रहे हो दादा। एक बात बताओ चोबे लाल जी, तुमने बंदूक जो आज तक चलाई नहीं होगी, है ना? और इसमें जो कारतूस पड़े हैं सारे सड़ गए होंगे, कितने सालन के होंगे, फफूंदी लग गई होगी उनमें। अच्छा, वाटर प्रूफ है, कभी चला के दिखाओ। तुम भी तो वाटर प्रूफ है, तुम भी तो वाटर प्रूफ चला के दिखाओ। ना ना चोबे लाल जी, ध्यान से बात करियो, चलाई ना, मैं तो चला दूंगा। तो ये समझ लियो, तो सुनो, हमें भी कम मत समझना। डंडे पे समझना, डंडे पे उलते हैं हम। हाँ बिल्कुल। और सुनो, ऐसा है, मेरे अगर पिल्ला कुत्ता कुतिया उधर जाएंगे तो मैं उन्हें लिवा के लाऊंगा। साहब बाजे भाई, मैं इतना बता रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा नाम चोबे लाल है। क्या करूंगा चोबे लाल, करना तो पड़ेगा तुम्हें। इधर मेरे गांव की तरफ, मेरे घर की तरफ। मैं फालतू बात नहीं करता, निकल लो यहाँ से। ना निकल, अरे ना निकल, अरे ताऊ। हाँ, तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो? यहाँ कैसे घूम रहे? हाँ, हम चो ना घूमेंगे चो। अरे हमारा घर है, हमारा गांव है, वहाँ जीवन ऐसे जाएगा गांव में, बंदूक लटकाएगी, कहा फर्जी माला भाला डाल रहे। ये फर्जी लग रही है? अरे ये लाखों रुपए की है, मंगल विहार में 10 के 4 रुपए के। ये चोबे लाल का माल है, माल है चोबे लाल का माल है, चोरी नहीं है। नहीं, मंगल बाजार में मिले 10 का। तो बंदूक क्या है, खरीदी तुमने? ये बंदूक खरीदी है मेला में, मिला है मेला में, मेला में। अबे क्या नकली है ये, 70 रुपए। अबे लाखों रुपए की है, लाख दे दो मैं। है लाइसेंस यहाँ? हाँ, ऐसे दे दोगे ना? पहले चला दे दो यूं। अच्छा, तो तुम रोला काट रहे हो, अब क्या तुम्हारे घर में सरेज आ गई है, दूध छाछ है, दवा कर मिल जाएंगी, रोटी गड़ागड़ गड़ागड़। वैसे लफंडर की बात तो सही कह रहा है, पकी पकाई मिल रही है। हमारी दाद करा दो एक दिन। अरे ना,
अभी मैंने समझाया कि मेरे घर की तरफ निगाह उठा के मत देख लियो। निगाह ना तो मत, हाँ नहीं तो ये गोटी खेल लूंगा मैं, निकाल लूंगा चश्मा लगा, चश्मा हाँ मैं बता रहा हूँ, ये चश्मा फसमा कुछ ना नजर आएगा। रोटी काम में वो सब कुछ बढ़िया मिल रहा, साली मेरी, रोटी मेरी, समझे, सारी चीज मेरी, साली भी मेरी है, रोटी भी मेरी है, घर भी मेरा है, तू काहे को लफंडरे मौज ले रहा है बीच में। मैं तो लाया लाया चेक करना ना घर में चल रहा है, लाया लाया खेत में चेक कराऊंगा ना घर में पुराना पर होगा। चल तो निकल ले अपने, और सुना इधर कोई बकरी या कोई भैंसिया या कोई गैया का बच्चा इधर ना आए मेरे घर में, अगर मेरा कबूतर उड़ के पहुंचे तुम्हारे छत पे तो आ जाऊंगा मैं। हाँ, कबूतर हाँ, ना कबूतर उड़ जाए घर में तो आ ही नहीं सकता, उड़गा तो तुम का कर लोगे क्या, तुम का कर लोगे, उड़गा तो उड़गा, उड़गा तो उड़ जान दो मगर घर में तू नहीं आ सकता भैया। आराम से गेट खोल के जाऊंगा, झीना ही कुंडी लगा ना, ना ना आराम से ना, कोई कैसे ना, चल निकल ले, निकल ले जा रहा। हाँ आए कबूतर की बहाने सारे मुंह मारने आ रहे हैं। अरे चांदनी, अरे चांदनी। अरे फूफा जी आप आ गए? हाँ मैं आ गया, एक काम करियो ये पनीर लाया हूँ। हाँ। और इसमें बेसन भी है, समझे, बेसनी रोटी और पनीर बनाइयो शाही, और सुनो मिक्सी रोटी। हाँ 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 अच्छा, हाँ चलो। हाँ अच्छा, वैसे लाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो कैसी बात कर रही है, वैसे मैंने चाय सुबह कितनी अच्छी अच्छी बनाई थी। अरे बहुत बढ़िया बनाई तूने, क्या ठिकाना है, अरे वैसे बड़ी होना आ रहे तू। हाँ वो तो है, और एक बात और बताओ फूफा जी। हाँ, मुझे वैसे बुआ जी कैसे खत्म हो गई? अरे बेटा बुआ की मत पूछ, सालों तो बेचारी ने बीमार पड़ी रही, समझे, सारे डॉक्टर के पास सारे छोड़, कोई बचो ही ना हो गांव में, दूसरे गांव के। अच्छा एक बात बताओ फूफा जी। हाँ। मैंने तो ये सुना था कि तुम बुआ को बहुत मारते थे पीटते थे, सड़कों पे बिछा बिछा के मारते थे। मारता तो मैं इसलिए था कि जब जब मैं खेत पे से आता कोई ना कोई घर में घुसा मिलता, घर में घुसेड़ लेती। कितनी गलत बात है ये, तो बता क्या करता। लेकिन प्यार से समझा देते, इस तरीके से मारना क्यों था, और वो तुमने मारी है, वो मरी नहीं है, वो तुमने मारी है। सुन तो ले, मैंने उसे बहुत समझाया, वैसे वो समझने के लिए राजी ना हुई, जब आऊं भैया, मैंने सालों समझाया उसे। अच्छा, देख मैं जब आए करूं यहाँ पे मुझे कोई ना मिले, और देख तू घर में काइये मत बुलाए कर, जमाना अच्छा ना है, मगर वाने एक ना सुनी मेरी। बच्चे नहीं हुए? बच्चे ना हुए। हाँ वैसे एक बात बताओ, जीवन तो बढ़िया व्यतीत हो रहा है हमारा दोनों का, बच्चे ना है तो क्या बात है। सुन मैं ये कह रही हूँ कि वैसे उनके पास गहने वहने की तो कोई कमी नहीं होगी? अरे गहने सारे के सारे रखे हुए हैं, हमारे घर के रखे हुए, और जो उनके माँ बाप ने चढ़ाए हो, और क्या कह रहा है, रखो है सम्मान रखो, बढ़िया तरीके। फिर तो इसका मतलब पैसे वैसे भी उनके नाम पे बहुत होंगे। हे पैसा पैसा बतेरे है हमारे पास, खेत खलिहान ना है, बाग है, सब कुछ हम पे क्या कमी है, पैसा तो हमारे पास कोई कमी ना है। वैसे फूफा जी तुम कैश कितना रखते हो घर में? देख घर में मैं कैश रखता ना हूँ, सब बैंक में रखता हूँ, क्योंकि ये गांव ठीक नहीं है, ठीक है, चीज पत्र जो है वो रखता हूँ। अच्छा वैसे एक बात बताओ। हाँ। कि वो क्या कहते हैं, बस मुझे थोड़ी बहुत गहने तो दे सकते हो पहनने के लिए? अरे खूब पहन, मौजले कैसी बात कर रही है। अरे चलो। हाँ। अब पैसे भी मैं तो यही रहने वाली हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी आपको। हाँ, हाँ। और देख पैसे फैसन की जरूरत पड़े तो मैं तो बैंक ले चलूंगा, जितने कहेंगे उतने निकाल के दे दूंगा, ठीक है। अच्छा हाँ, मगर रह मौज में, और देख ये लफंडरे जो आए इन्हें मुंह मन लगाई हो, गांव को कोई आए चाहे वो धनी राम को। तुम कैसी बातें कर रहे हो जी, भला मैं क्योंकि देख तेरी जो बुआ गई है वो इसी चक्कर में गई है, मैं जो मैंने करके गया हूँ वो मानती नहीं, कहना ही ना मानती, फिर मैं मारता उसे, और जब मारता तो फिर देख भाई मैं तो गुस्सा आ जाती, फिर ना देखता गांव में कि वो कहाँ पे खड़ी है, वो कौन सी जगह खड़ी है, मैं तो मैं सर देर देर एक बार जूत बजाता, दबा दबा के जूत बजाया। सुनो तो सही, शुरू हो जाते हो तो खत्म ले हो, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। मैं ये कह रही हूँ मुझे गहने दे दो पहनने के लिए, मुझे बहुत अच्छे लगेंगे, पहनूंगी अपने ऊपर। तो चल ठीक है, आओ तो आ, चल 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 चल। रे चांदनी, ओ चांदनी। अरे फूफा जी आप आ गए? अरे हाँ आ गया, ले गहने। वाओ ये मालूम है कहाँ रखे? हाँ। तो पता है मैंने जमीन में डाल रखी। क्या
क्या? हाँ जमीन में, जमीन में हजाई मारे तुझसे बता रहा हूँ होले होले। अच्छा हाँ। मैं ये कह रही हूँ सुनो कि अब एक काम करती हूँ, मैं ये गहने पहन के पानी लेने जाती हूँ। पानी? हाँ पानी लेने से घूंघट मार के जाइयो, गहने जो है ना घर में पहन पहन के मत जाइयो। घूंघट मार के जाऊंगी ना, कोई देखेगा ही नहीं। हाँ तो ठीक है, चल 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 ठीक है, चल ठीक है, ये बात सही। अरे चांदनी जी, अरे कहाँ जा रही हो घूंघट घूंघट डाल के? अरे देखो मुझसे मत बोलो, अगर फूफा जी ने देख लिया ना तो फालतू में बखेड़ा खड़ा कर देंगे। क्या? मुझे जाने दो। फूफा जी अब रड़ुआ भड़ुआ, फूफा जी तुम एकदम चकाचौन। अरे तुम हमसे बात करो, मीठी मीठी बात करेंगे हम दोनों। वो तो रड़ुआ भड़ुआ है, वो क्या जान दो लफंडा एक नंबर का। अरे ऐसे जो बोल रहे हो उनके बारे में? क्या क्या नहीं बोलूं उसके बारे में? ऐसे मत बोलो, बहुत अच्छे आदमी है वो। मेरा बस चले तो बुड्ढे का गला घोट दूं मैं। वैसे एक बात तो है, तुम भी किसी से कम नहीं हो। कम नहीं है? हाँ वो तो खैर चलाटन है। वैसे एक बात बताऊं? बता बता। उस दिन चलो तुमने मुझे भले ही घुमाया होगा। चले रे धरियाम, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ मैं तो? मैं राम राम कर रहा हूँ। राम राम कर रहा हूँ। अच्छा चोबालाल चोबालाल जी जी सलेज जी, मैंने तुम्हें समझाया कि घर से निकलो तो काई से बात नहीं करनी, या बात को समझाया ना समझाया मैंने, और तुमने वो ही करो जो बुआ जी करते करते मर गई। मानी ना तू? बुआ जी को तो मारा था तुमने, मरी नहीं है वो। अब जो भी है, अब है तो इनकी बीवी, ये मारे या फिर वो इन्हें मारे, बात तो एक ही है। अरे ये बड़ा आदमी, तुम्हें शर्म नहीं है? चले पानी में भरवा लो। शर्म नहीं होती? घोर कलयुग हुई है, मैं तो मंदिर जा रहा हूँ। इतना पानी लग। अरे ताऊ राम राम। राम 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 राम। और मैडम ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ और बता बढ़िया। ओ लफंडरे मैं क्या कर रहा हूँ ताऊ? बात क्यों कर रहा है? अरे क्यों कर रहा है? अरे बात ना कर सके। क्यों कर रहा है वो? तो तुम जो इनके पीछे। अरे बात तुम होता है कर, इससे क्या कर रहा है? तुम इनके पीछे पीछे घूम रहे हो? क्यों घूम रहे? तुम्हारे जैसे लफंडरों से बचाना है यार। समझे? तुम जैसे लफंडर जिंदा ना जिंदा ना रहते हो। मैं लेके जा रहा हूँ पानी भरवा के। चलो अपना निकलो और मोर पास चल चल पानी लेने चल 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 लफंडर जा। अरे चांदनी जी। हाँ क्या कर रही? कुछ नहीं कर रही थी बस ऐसे ही। अच्छा अच्छा हाँ मुझे एक बात याद आ गई। हाँ बता। कल धनतेरस है। हाँ, कल सारे गहने जितनी भी रकम है सबकी पूजा होनी है। अच्छा हाँ। ठीक तो मैं एक काम करना, सारी चीजें लेके आना, छोड़ना मत ना, ना, क्योंकि ना, फिर ना। लक्ष्मी मैया एक बार नाराज हो गई ना तो फिर घर का सर्वनाशी है। सही बात है, ये बात तो तू सही कह रही। सही और सुन तू घर मत जाइयो अपने। अरे मैं तेरी तुझे वैसे ही वो मारे। अब वैसे भी मुझे क्या जरूरत है जाने की जब तुम हो तो है कि नहीं? अच्छा एक काम करो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बादाम वाला दूध रख रखा है, अंदर आओ। है? हाँ अच्छा केसर डाल के? बिल्कुल दूध अच्छा था। अरे दूध तो बहुत ही बढ़िया, जवाब ही नहीं है, लाजवाब दूध, और तुमने केसर डाली और बादाम वाला है, एक एक ये समझ लो घूंट में चुस्की ली जा रही। सच्ची है? एक क्या ठिकाने है, और तुम तो बड़ी गुणवान हो। अभी बता तुम हमारी कब हो रही हो? तुम्हारी? हाँ। ये समझो वैसे तो मैं तुम्हारी हुई, लेकिन ये धनतेरस निकल जाए, दीपावली निकल जाए। हाँ। उसके बाद हम शादी कर लेंगे। ठीक है, है कि नहीं? अरे और क्या, अब ये थोड़ा त्योहार तो निकल ही जाए। हाँ, है ना, कि ना, नहीं? ना, अरे और फिर वैसे भी मुझे अब जाना नहीं है उस पागल के पास। तो चल बैंक से पैसे निकाल ले। बैंक से नहीं, आप चले जाओ ना। ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ। आप निकाल लाओ। ठीक है ठीक है, मैं निकाल ला। कल पूजा है। कल पूजा है ना? हाँ ठीक है, तो मैं आज ही निकाल ला रहा हूँ सारा पैसा। जाओ जितने भी पैसे हो और जितनी भी वो हो गहने चांदी जितनी और भी रकम हो सब ले आना। ठीक है सब ले आऊंगा। इतने एक चवन नहीं मत छोड़ना। देखो पूजा हो जाएगी तो अपने घर की सुख शांति के लिए। सही बात है, सही बात है। मैंने तो जमीन में गाड़ रखे कुछ गहने दिए सब। अच्छा और भी गड़े हुए इसका मतलब? अब तो देख लेंगे। ठीक है ले आ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, तू अपना ख्याल रखियो, जा अंदर जा अंदर जा। चांदनी चांदनी देख ये आऊं मैं। एक मिनट रुक जा, देख ये 5 लाख रुपये ठीक है, इस
सारे गहने वैसे सब इसी में ही है? हाँ, सब इसमें, और जो है वो आज खोद के तुझे दे दूंगा मैं। अच्छा, और सुन, हाँ। संभाल के रखियो, ठीक है, और देख लियो कहाँ जहाँ रखना। टेंशन मतलब अब ये समझ लो ये घर मेरा है तो मुझे पता रहेगा ना कहाँ सामान कौन सा कहाँ रखना है। ऊपर उघाड़ के मत रखियो हर चीज, कोई भी गांव से भाव से आए काऊ पता ना चले कि इनके पास पैसा यही घर में रखो है कि गहने घर में रखे हैं। मैंने आज तक काऊ सूसक ना दी है, ये और बता दे रहा हूँ, और तू भी कहिए सूसक मत दियो इतनी सी भी। हाँ, और जब से गहने पहन के निकले तो घूंघट से निकलियो, बाहर भी आए कभी, हाँ ध्यान रखियो। चल ताऊ, चेहरा पे चमक आ रही है तुम्हारे, चमक चौन आएगी। अरे मुझे सब दूध, केसरी दूध, बादाम पड़ा हुआ और रसमलाई मार रहा हूँ अलग से ऊपर। उससे पहले तो सूखी सर्री रोटी खाते तो। तो बुआ तो तुम्हारी मर चुकी है बुआ, अब वो पका कर खिला रही है। नहीं, वो मारी गई है। बकवास मत करी, अब तुम मुझसे तो कह दे, गांव में मत कह दे यूं काई से। सुनो चप्परो, एक बात बताओ वैसे, सुनो तुम्हें शर्म है क्या नहीं? और तुम उस दिन जो है पानी भरवाने खुद चले गए, तुम्हें ये नहीं शर्म आई कि 10 गांव वाले क्या कहेंगे? चले गए मेरी तो क्या तुम्हें भेजू, मैं तुम्हें भेज दू। एक बात बताओ, तुमने जो किसी दूसरे की बीवी है तुमने ऐसे घर में रख रखी इतने दिन के लिए, अब उन्हें भेजो। क्या दूसरे की है? हाँ, धनी राम कह मत दियो, मैं इतनी जगह मारू गोलियां, एक तो सुराग पहले से डबल हो जाएगा अगर दोबारा कह दिया। दोबारा मत कह दियो ये बात। अरे मेरी होने वाली है, देख पूजा हुई, समझे, पूजा करने के बाद में दीपावली के बाद हमारी शादी है। शादी है? हाँ। बस एक बात बताऊं तुम्हें चोवालाल जी, तुम्हें नरक में जगह नहीं मिलती। भगवान माफ नहीं करेगा तुम्हें, घोर पाप कर रहे हो। अरे जरा सी भी शर्म बची होगी, शर्म बची हो ना तुम्हारी आंखों में, तो जाओ अचुल्लू भर पानी में डूब मरो। अच्छा लफंड रहे हो धनी राम, तुम दोनों के ऊपर छोड़ दो, तुम दोनों डूब के मरो। हाँ? अच्छा, और क्या, मेरी तो सलेज है, मैं तो कर लूंगा। तो एक बार तुम तुम्हारी कौन है? अरे तुम सारे कैसे मुझे रास्ता बता रहे हो? अरे तो सलेज है तो क्या होता, मतलब उसकी एक शादी तो हो गई और तुम भी रख रहे हो। हाँ तो मैं शादी कर रहा हूँ भाई, बहुत घोर कलयुग आ गया। वैसे एक बात बताऊं, बड़ा अच्छा युग आया है, डबल हो जाती पहले ना होती। चोबा लाल जी सुनो, तुम्हारी ये उम्र जो है वो भजन करने की है, भागवत करने, अब ताली बजाओ, क्या करो, ये उम्र नहीं है कि तुम गुल छर्रे उड़ाओ। क्या कमी है ताऊ में, क्या कमी है? तो से ज्यादा ऊंचे खड़ी है अभी भी, मोर है, डंडी भी खड़ी है, मोह में जाता ना, पेट में आता ना, ये एम पे है। हां कर ले तू, तुम निकलो। हैं अरे ना 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 ना। अरे राम राम, मैंने कहाँ से तू मेरे रास्ते में आया है, जब जब रास्ते में आया मेरा काम खराब है। और ताऊ तुमको है ना, देख के मेरा खून है ना खोलता बहुत ज्यादा। तो ये तेरा खून चो खोल रहा है? अरे तुम इतने मस्त मलंगा है रे वो गहू में। मस्त मलंगा कौन होंगे, अरे दूध पी रहे हैं, बादाम केसरी वाला, और ऊपर से रसमलाई खा रहे हैं हम। अब चो ना खाओगे रसमलाई, घूंघट वाली बहू जो रख रखी है। तुमने शादी कर ली? शादी कर ली कौन कह रहो ना, सोच रहो भैया, अब काम में तो तमाम बात बनता, किन किन को मोहना पकड़ोगे तुम बताओ। दीपावली के बाद करूंगा शादी। कर रहे हो शादी? और क्या, वो तैयार है? हाँ तैयार है, क्यों क्या बात है। अरे ताऊ में देख मुझे तेरी सीधी है, अभी देख ताऊ की मुझे खड़ी है, वो तैयार है। तुम अबे देख मुझे खड़ी है तुम्हारी, ताऊ तुम मुँह में गोली मार दो भाई, वो तुम तैयार नाल खड़ी है ताऊ। तुम वो बेचारी कितनी सीधी लौड़िया, 20-22 साल की लौड़िया, और तुम 48-40 साल के बुढ़े, तुम बताओ शादी करोगे? अरे अभी तो हमारे पिताजी भी ना है इतनी उम्र के, काम में बदनाम करेगा तो मतलब। सुन बताए तो पहले आए, सुन कभी कह मत दियो, बाकी सामने मत कह दियो कि इतनी उम्र है। हाँ ध्यान रखियो, मेरे काम करवा दोगे? अरे राम राम, बड़ी गाने उड़ा रही हो। राम राम, और कैसे हो? अच्छा, मुझे लगता है चमक आ रही है चेहरे पे अब तो। अरे तो चमक तो आएगी, और क्या, झुर्रियां आ जाएंगी? झुर्रियां नहीं, एक बात बताओ, तुम्हें इतने दिन हो गए यहाँ रहते रहते, तुम अपने पति के पास क्यों नहीं चली जाती? अरे मैं क्यों जाऊँ अपने पति के पास, जब कोई मुझे लेने नहीं आया तो? तो एक बात बताओ, मुझे कुछ सुनने में ऐसा आ रहा है कि तुम उस बुड्ढे से शादी कर रही हो। बुड्ढे से? हाँ हाँ, शादी तो कर रही हूँ दीपावली के बाद। और क्या,
तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आएगी? तुम्हारा पति है, अपने पति की सेवा करो, उसके चरणों का चरण धो धो के उसका पानी पियो। ओ दूध के धुले हो, मुझे सब पता है तुम लोगों की, ज्यादा ओवर मत बोलो। हाँ ठीक है ना। और क्या हुआ बुड्ढा है तो? क्या धन तो है, पैसे पे मर रही है, मतलब कि बड़ी लालची औरत हो तुम। अरे कलकला को वो मर जाएगा, मैं तो और भी शादी कर लूंगी। तुम्हें पता है तुम्हारी एक बुआ तो मार दी उसने, कहीं मुझे ऐसा ना लगे तुम्हें। एक मिनट, वो मुझे नहीं मार पाएगा, मैं उन जैसों को हजारों को ऊपर पहुंचा दूंगी। और बल्कि तुम और लाइन में लग जाना। मुझे मरना थोड़ा ही है, लगना लाइन में। एक बात बताओ, मैं तो तुम्हें ये कह रहा हूँ, बस इस प्रॉपर्टी की मालकिन मैं बन जाऊंगी। ऐसा काम मत करो, ये काम गलत है, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे चुप रहो, तुम होते कौन मुझे सलाह देने वाले? अपने यहाँ से काम करो। मतलब हम इतना समझा रहे, हम पागल है? वैसे हम पागल है क्योंकि समझा रहे हैं। अरे मैडम ठीक है आप? नहीं बीमार थी। नहीं, मेरे आपके साथ सही नहीं हो रहा है। क्यों, क्या हो गया मेरे साथ? मुझे बहुत दुख हो रहा है मैडम, सही नहीं लग रहा आपके साथ। अरे किस बात से, क्या हो गया बताओ? तुम इतनी खूबसूरत, कितनी कली जैसी, गुलाब की कली जैसी, वो बेचारा 80-90 साल का बुढ़ा सा लगता है, तो 48 साल का, लेकिन 80-90 साल का लगता है। और तुम 16-17 साल की जवान लड़की, और बताओ नहीं शादी? अरे नहीं मैडम। अरे बेवकूफ, उम्र पे मत जाओ, फिर धन पे जाओ, धन पे। ओ गांधी जी सही कहते थे, बाप वो कैसे कहते हैं मैडम, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। हाँ वो वाला सीन। तो मैडम मतलब तुम उस टाइप की, मतलब तुम उससे शादी करोगी? क्या तुम मतलब उससे शादी करोगी, बुड्ढे से? अरे मैं उससे शादी क्या अब करने वाली हूँ, दीपावली निकल जाए बस शादी ही शादी है। मेरे से कर ले, मेरी 5 भैंसियाँ हैं, 2 बीघा मेरा भुस्का हुआ है, कोटा। अबे चल ना, तो तेरी शकल अच्छी ना, तेरी बात अच्छी, कम से कम शकल अच्छी ना, तो बात तो अच्छी कर लिया कर। ये देखो हल्की की दाढ़ी अभी तो पूरी ना आई, मैं सब ऐसा है, तू निकलना नहीं निकलना, खामखा मेरा दिमाग खराब कर रहा है। और हाँ, मैं उससे शादी करूँ या ना करूँ, तू होता कौन मुझे मुफ्त की सलाह देने वाला? बता रहा था मैंने, हमारे 5 बता ही क्यों रहा है, अपनी सलाह अपने पास रखना। 5 भैंसियाँ हैं, कितना दूध देते हैं? 5 भैंसियों से शादी तू कर ले, बच्चे भी पैदा तू ही करियो। हट निकल यहाँ से। अरे चांदनी, चांदनी। हाँ जी। आज पूजा करोगी? चले। देखो सुनो, मैं पूजा तो करूंगी, लेकिन रात मुझे सपने में लक्ष्मी मैया ने सपना दिया था, कहा था कि खाली औरत ही पूजा करती है, आदमी को इस घर से दूर रखना पड़ेगा। लक्ष्मी? हाँ 24 घंटे के लिए। लक्ष्मी मैया ने तुम्हें साक्षात मतलब सपने में दिखाया? हाँ, और ये कहा था हाँ। कि अपने अगर पति को मतलब जिससे भी तुम शादी कर रही हो हाँ। उसकी और लंबी आयु होगी है? हाँ। अरे ये तो तुमने मेरे मन की बात कर दी, चल ठीक है। वैसे तो मैं सोच रहा मैं भी साथ में तेरे साथ पूजा करूँ। अगली साल से करना ना पूजा, ठीक है? अभी तो बहुत त्योहार पड़ेंगे। और देख आप पूजा करके फिर ध्यान रखियो, शादी करनी है। शादी करनी है, फिर एक परिवार बनेगा, बच्चे होंगे, 1 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे, ऐसे ही 5-6 हो जाएंगे, हमारा खानदान बन जाएगा। और जब खानदान बन जाएगा तो इस गांव के अंदर हमारा रुतबा होगा। बकवास करो, 5-6 बच्चे? सिर्फ बच्चे 2, हम 2, हमारे 2 नहीं, 8-10 होंगे, हमारा गांव में रुतबा होगा, हमारी जय जयकार होगी इस गांव के अंदर कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, और हम गांव में किसी से धौसेंगे भी नहीं। एक काम करते हैं, 20 बच्चे करते हैं। मुझे पूजा भी करनी है, मन तो नहीं कर रहा तो मैं छोड़ के, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। चलो ठीक है, पकवान अच्छे बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जाओ। मैं तू कैसा करिए, 12 में भेज दियो। ठीक है निकल लो। और वो पूरी? हाँ हाँ। और खीर? मैंने सब कुछ बना के मैं ले आऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ जाओ। बगर मन नहीं कर रहा, छोड़ो। अरे हाँ, बगर हत्ते के जनरेटर। चोबालाल जी। और भाई धनीराम। अरे कहाँ जा रहे हो जी, चदरा लेके? आज हम अपने टूबल पे जा रहे हैं। आ रहे हो टूबल पे? टूबल पे क्या करने? क्या करने? हाँ आज हमारे घर पे लक्ष्मी की पूजा है। लक्ष्मी की पूजा है? लक्ष्मी की पूजा है? तो मतलब कि पूजा करो ना, तो तुम काम आठ टूबल साक्षात
लक्ष्मी मैया ने दर्शन दिए। अच्छा मखाली हमारी वो करेगी। अच्छा बस सरेजी करेगी, सरेजी करेगी। तुम नहीं करोगे ना? अच्छा हाँ, और हमारी आयोग ज्यादा हो जाएगी, जितनी हमारी उम्र है उसकी डबल हो जाएगी। वह ऐसे ही तिबल होती रहेगी, होती मतलब हमारी उम्र बढ़ेगी। क्या तो सुनो धनी राम, वो क्या नाम है तुम्हारा, चोबालाल जी, एक बात सुनो पहले। तुम जा तो रहे हो सोने टूवेल पे, पर कहीं ऐसा ना हो कि तुम तो यहाँ पे वो लक्ष्मी जी की पूजा करवा रहे हो और तुम्हारे घर में थे लक्ष्मी, समझ जाओ। सरेजे और मैं शादी करने वाला हूँ, और तुम्हें मालूम है मेरे बच्चे होंगे 10-15 बुड्ढे। अरे सारे मुझे पूछे सब खेल लूंगा, अगर ऐसी बात करी बूढ़ा मत कहियो बेटा। बूढ़े मत कहियो, हां जवान हूं, शादी जवानों की होती है। लुटाओगे बेटा और जल्दी, और वो भी तैयार है भाई। सलेज लुटाओगे, सलेज भी तैयार है। एक ना एक दिन अगर तुम मूड पकड़ के ना रो तो चोवे लाल जी मुझसे मुलाकात कर लेना। जा तुम भी झेल ले, गांव में निकल ले। जब जब तू मिला काम ही खराब होता है, काम खराब है। सब पैर है सारन के। तुम भाई ये इतनी सुबह सवेरे तुम एक बैग बस्ता लेके कहाँ के लिए दौड़ा हो रहा है भाई, कोई बात हो गई क्या? वो मैं गंगा जी नहाने जा रही हूँ। गंगा जी नहाने? हाँ। और चोवे लाल जी तो वहाँ सो रहे हैं उस ट्यूबवेल पे, तो उन्हें उन्हें को ले जाओ। उन्होंने ही तो कहा है मुझसे, उन्होंने कहा पहले गंगा जी नहाओ फिर उसके बाद शादी करते हैं। मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, एक बात बताओ, चोवे लाल जी ने ये कहा कि गंगा जी नहाया और चोवे लाल जी खुद वहाँ रमड़ने चले गए, वहाँ सोने चले गए? अरे नहीं उन्हें पता है, और मैं इसीलिए तो गंगा जी नहाने जा रही हूँ। इसमें तो गंगा जी नहाने जाती तो ये ले जाती भाई, इसको क्या ले जाना है? अरे इसमें मेरे कपड़े हैं, और फिर जो पूजा करते हैं धूपबत्ती अगरबत्ती इकट्ठी हो जाती है इसमें तो वो है। अच्छा क्या देख क्या रहे हो, हटो मुझे निकलने दो। रुको एक मिनट, रुको एक बात बताओ सुनो, मतलब तुम शादी करोगी उनसे? शादी तो करनी है इसीलिए तो गंगा जी नहाने जा रही हूँ। अच्छा सुनो मैं गंगा जी नहा के एकदम शुद्ध हो जाऊंगी। शुद्ध हो जाऊंगी तो फिर उसके बाद हम साथ फेरे ले लेंगे। गंगा मैया तुम्हारे पाप भी नहीं धोएंगी, इतनी अशुद्ध हो तुम। अरे ठीक है ठीक है, निकलो 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 निकलो। मुझे लगता है आसमान तुम्हें कुछ ज्यादा जल्दी है, हटो फिर वो गाड़ी निकल जाएगी। गाड़ी नहीं, मुझे तो लगता है खत्म। अरे क्या बात है चोवे लाल जी, कैसे बड़बड़ा रहे हो? अरे धनीराम तुमने चांदनी को देखा है? चांदनी को देखा? चांदनी चांदनी ना है, चंदा मामा के पास है। क्या कह रहा है? चंदा मामा के पास है चांदनी की? चांदनी कौन, चांदनी की बात कर रहे हो? अरे मेरी सरेज। तुम्हारी सरेज? हाँ बहुत उड़ गई चिड़िया। उड़ गई? हाँ बिल्कुल, और क्या, वो तो पूजा पाठ कर रही। पूजा पाठ? हाँ। तुमने तो गंगा जी भेजी थी वो। अरे मैंने कहा वो गंगा जी भेजी है? अबे वो मुझे सवेरे मिली थी, सुबह 4 बजे जब मैं है कहा वो करने शौचालय गया था तब वो मुझे मिली। हाँ। 4 बजे तो वो मुझसे ये कह रही थी हम तो गंगा जी जा रहे हैं, अब बताना जरा। मैं तो कुछ कछु ना पूछा, मैं तो 12 पे सो रहा हूँ। नौ कह रही वो कि मैं जा रही हूँ गंगा जी, और मैं सुबह 8-9 बजे तक मैं आ जाऊंगी, फिर मैं उनसे शादी करूंगी। अरे तो मोसे कहाँ पूछ के गई है? ना पूछ के गई ना, मोते ना पूछ के गई। माल पानी घर में कुछ ना है, सब ले गई। लुट गई, लुट गया, लुट गई, लुट गई। जाओ और चिल्लू भर पानी में डुबकी लगाओ, मरो। अब मैं उसके घर जा रहा हूँ। घर घर चांदनी घर जाओगे तो जूता पड़ेंगे चांद पे। काय को पड़ेगा जूता? क्यों नहीं पड़ेंगे ना, जब बंदूक फेंक दो सर किसी काम के, कबाड़े में बेचो जाए, अमरूद खरीद लो इससे। ना मैं जाके पकड़ूंगा, चूरा खरीद लूंगा, देख लूंगा, घर जा रहा हूँ, चांदनी के घर जा रहा हूँ। जब तक तो कुछ हुआ जा रहा हूँ। बड्डे सबने बर्बाद कर दिया, लुट गए। तुम तफरी जा रहा हो ना, जा रहा हो धनी राम, समझा मेरे। अब ऐसे खून खून खोल लो, मैं सच कुछ पागल हो गया यार, धर दूंगा। हाँ चलो जाओ सारे, मैं सब लुट लुट पा देगी। अरे आ गए चोवे लाल जी, मिल गई सारे सवारी। अरे कहाँ देगी बात करेंगी मुझे बेटा धनी राम। हाँ और लफंड रे तो घर हो गया, मेरी सलेत तो मिल गई, हम तो कोई और ही और ही। हाँ तो मुझे तो पता थी वो तो सरेज ने भग गई, सरेज तो है जी, वो तो पता ना कौन ही। हाँ सब लूट लाट ले गई, मैं तो बर्बाद कर गई, मैं बर्बाद कर गई। चाचा में तुम तो, वो सरेज नहीं थी, वो तो खाने का फ्री बॉन्ड में इंक्वायरी करने आई थी, मुझे तो उसकी शक्ल सी लग रहा था। अब ना हेरो को मैं बता रहा हूं, अब बता रहा हूं, हमारे पैसे बंदूक तान दे कर बस। अजीत जी जे फूले ना हमारे, हमें लग रही ना कि लड्डू मिलेंगे तुम्हें। हम कह रहे हैं हम पहले हमारे हाथ। अब कहां होगा ये बताओ, कहां जाएं? अब कहां, कुआं पे जाओ।
और मुझे ले चलो साथ। और मैं ऐसे कर दूंगा पीछे दे ये मार देगा ढक्का, तुम नीचे और तुम्हारे प्राण ऊपर। और ये काई रहे हो और ये कार्ड छप्पा है रस्ती और का बल बर्बाद है बल लूट गए जाओ लूट गए तो जाओ चले आ गए तुम लोग बहुत सलाह हुए चीजें ले हम तो बता देता हूं क्या बोल रहे हो यार अरे चले जा कौन कौन अंडे फूट दूंगा दोनों को एक तुम मैं मारूंगा बर्बाद कर दूंगा।